ओके शुरू करो। नमस्कार छात्रों, आज की वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज आपकी हिंदी की कक्षा में जो विषय रखा गया है वो गद्य की एक प्रमुख विधा यात्रा वृतांत से संबंधित है। छात्रों, अब मुझे ये तो पता नहीं कि अभी आपकी कक्षा में ये वाला पाठ पढ़ाया है सर ने, मैडम ने, कि नहीं पढ़ाया है। अगर आप लोगों को अभी कक्षा में यह पाठ नहीं हुआ है तो छात्रों, सारांश में मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो ये पाठ है उड़ता चल कबूतर, यह एक यात्रा वृतांत है जिसके लेखक राम वृक्ष बैनीपुरी जी हैं। और यह जो यात्रा वृतांत उन्होंने लिखा है वह 19 अप्रैल सन 51 की घटना है बच्चों। यह और यह पाठ बहुत ही अच्छे से उन्होंने यात्रा वृतांत के रूप में लिखा है और बहुत समझने यात्रा वृतांत है यह। मैं आप लोगों को भी यह सलाह देना चाहूंगी कि आप भी अगर कहीं यात्रा पर जाते हैं, किसी अच्छी जगह पर जाते हैं, तो आप अपने साथ में एक डायरी और पेन अवश्य रख के जाएं कि वहां पर जो भी चीजें आप देखें, जो भी स्थान देखें, उनके बारे में जरूर लिख कर लाएं, ताकि वो आपके जीवन की एक स्मृति बन जाते हैं और आगे चलकर आपको उन यात्राओं से जो फायदा होता है वह आप दूसरे लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। तो छात्रों, आज की कक्षा में उड़ता चल कबूतर जो यात्रा वृतांत है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने कक्षा में इस पाठ को नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा सारांश में इसको बताऊंगी कि लेखक जो है उनकी एरोप्लेन में जो उन्होंने एक उड़ता चल कबूतर, यह एक माध्यम उन्होंने बनाया है कि पूरे यात्रा प्रकार से कबूतर आसमान में उड़ता रहता है, उसी प्रकार से लेखक की भी इच्छा रहती है कि वह कभी एरोप्लेन में जाए, विलायत जाए और वह उस मौके की तलाश में रहते हैं। तो उन्होंने छोटी से छोटी घटना को अपने इस यात्रा वृतांत में बताया है कि उनको कई बार यह मौका मिलने की उम्मीद जागती है, उसकी वजह से वह अपना पासपोर्ट भी बनवाते हैं और पासपोर्ट की सारी जो उस समय फॉर्मेलिटीज या औपचारिकताएं जो पूरी करना होती हैं वो सब करते हैं और उनका पासपोर्ट बन जाता है। लेकिन फिर भी उनको कुछ ऐसा मौका नहीं आ पाता है कि वो विलायत जा पाए। फिर एक समय ऐसा आता है कि उनको विलायत जाने का मौका आता है, तो उस समय वह बड़ी रोचकता के साथ में अपनी तैयारी करते हैं और इसीलिए उन्होंने इस यात्रा वृतांत का नाम उड़ता चल कबूतर रखा है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को कक्षा में यह पाठ नहीं पढ़ाया गया हो तो आप लोग इसको एक बार घर पर जाकर अपने आप से पढ़िएगा, क्योंकि सारांश तो मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा पूरा पढ़ के बताना इतना समय अभी अपने पास में नहीं है। तो आप लोग इसको घर पर जाकर पूरे पाठ को एक बार पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा यात्रा वृतांत है। लेकिन सारांश में आपको समझाती हूँ, तो इस यात्रा वृतांत में लेखक जब विदेश यात्रा के लिए जाते हैं तो उन्होंने इसमें बड़ा ही सजीव चित्रण किया है कि जब एरोप्लेन ऊपर उड़ना शुरू होता है तो ऊपर से सारी चीजें नीचे बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष और भी जितने भी प्रकार के आम, नीम, काफी बड़े बड़े जो वृक्ष हैं वो सब बहुत छोटे दिखाई देने लगते हैं और जो खेत जो होते हैं वह धारियों के समान दिखाई देते हैं ऊपर से एरोप्लेन में। जिस प्रकार से शतरंज की गोटियां जमी हुई रहती हैं इसी प्रकार से ऊपर से दिखाई देते हैं। लेखक ने इसको शतरंज की जो खाने हैं उनसे और गोटियों से उन वस्तुओं की और चीजों की तुलना की है जो उनको हवाई जहाज से ऊपर से दिखाई देते हैं। और ऊंचाई से तो हर चीज छोटी दिखाई देती है, यह तो हमें भी पता है और आप लोगों में से भी अगर अधिकतर बच्चे किसी न किसी ऊंचाई वाले स्थान पर गए होंगे या कुछ बच्चे एरोप्लेन में भी हो सकता गए हों, तो ऊपर से हर वस्तु नीचे छोटी दिखाई देती है, उसका लेखक ने बड़ा सजीव और दार्शनिक चित्रण किया है। छात्रों, इस यात्रा वृतांत में लेखक ने अपने बचपन की छोटी छोटी सी बातों को भी बताया है, जैसे कि एक बार उन्हें अपनी नानी के यहाँ जाते समय हाथी पर बैठने का मौका लगा। लेकिन हाथी पर बैठने का उनको आनंद तो बहुत आया लेकिन वह उसको उस आनंद को महसूस नहीं कर पाए क्योंकि उनके अंतर मन में जो भय था, क्योंकि हाथी जब चलता था तो वह
हिचकोले लेता था तो उस समय उनके मन में जो डर था उसकी वजह से वह अपने अंतर्मन को उतनी खुशी नहीं दे पाई, या उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में लिखा है। तो वह हाथी जो रहता है वह उनको सपने में भी, जैसे बच्चों छोटे बच्चों को अगर एकदम से अपन किसी ऊंचे स्थान पर बिठा दें तो वो घबरा जाते, इसी प्रकार से लेखक ने भी अपने बचपन में जब उनको ननिहाल जाना पड़ा तो उनको हाथी पर बैठने का मौका आया तो बैठ तो गए वो, लेकिन उनके सपने में भी वह हाथी आकर उनको डराता था बहुत समय तक, और एकदम से वह उठकर बैठ जाते थे। तो उन्होंने अपने बचपन की और बड़े होकर जो उन्होंने एरोप्लेन में यात्रा करने का उनको मौका मिला उसके बारे में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। तो उड़ता चल कबूतर के माध्यम से लेखक ने अंतर्मन और बहिर्मन को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया है। बच्चों तो अंतर्मन और बहिर्मन, अंतर्मन में कोई विचार अगर हमारे मन में आता है तो उसको पूरा करने के लिए बहिर्मन को तैयार करना पड़ता है। तो उन बातों को लेखक ने बहुत ही सूक्ष्मता से और गंभीरता से उठाया है। छात्रों इस यात्रा वृतांत में उदय शंकर जी लेखक को मिलते हैं रास्ते में, जब वह एरोप्लेन से नीचे उतरते हैं, एरोड्रम पर उतरते हैं, और जब वह रेल के लिए इंतजार करते रहते हैं तब उनके उदय शंकर जी से मुलाकात होती है। उदय शंकर जी एक जाने माने कलाकार हैं पुराने समय के। अब चूंकि यह सन 51 का लिखा हुआ, सारे बच्चे जरा शांत बैठ जाएं। जो बच्चे इधर उधर सीट से हिल रहे हैं सारे बच्चे अपनी जगह पर आ जाएं, क्योंकि अभी आपसे इसी संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे, और यह पाठ भी बहुत ही समझने का है। यात्रा वृतांत बहुत अच्छा है बच्चों, और इनको देखकर अभी चूंकि आप लोग अब 9th क्लास में आए हैं, लेकिन आपकी 9th की पुस्तक मैंने देखी, काफी अच्छे अच्छे आपके पाठ है उसमें, और इससे आप अपने जीवन में काफी अच्छी चीजें सीख सकते हैं। छात्रों तो ये जो यात्रा वृतांत है यह समझने वाला है, इसको आप लोग बारीकी से जब दो बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैं इसको सरल भाषा में करके और आपको समझा रही हूँ। तो जो लेखक है राम वृक्ष वैनपुरी जी, खास तौर से यात्रा वृतांत में उन्होंने अपनी एरोप्लेन की यात्रा को दर्शाया है, क्योंकि उनकी बहुत समय से एरोप्लेन में जाने की इच्छा थी, और फिर उनको वह अवसर मिला कि भारतीय प्रशासनिक सेवा पत्रकारों को भेज रही है, तो उन्हीं पत्रकारों के दल ने राम वृक्ष वैनपुरी जी को भी एरोप्लेन में जाने का मौका मिला, उसका उन्होंने वर्णन इस यात्रा वृतांत में किया है। इसके बाद में छात्रों उन्होंने उदय शंकर जी से उनकी मुलाकात होती है, जब वह एरोप्लेन से नीचे उतरते हैं तब उदय शंकर जी से उनकी मुलाकात होती है। वह एक कलाकार होते हैं जो अपनी ऐसे कलाकार जो अपने चेहरे के हाव भाव से अभिनय के द्वारा जिन बातों को, जैसे नाटक में जो कलाकार काम करते हैं बच्चों, तो उदय शंकर जी भी उसी प्रकार के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार थे। तब राम वृक्ष वैनपुरी जी उनको नमस्कार करते हैं, उसका वर्णन भी उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में किया है कि कैसे उनकी मुलाकात, जब वह रेल वेटिंग रूम में आते हैं और अपने रेल की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उस समय उनकी मुलाकात उदय शंकर जी से होती है, उनके साथ में उनका एक बच्चा भी रहता है, नटखट बच्चा, और उनकी पत्नी रहती है, वह पत्नी को नमस्कार करते हैं और उनसे उनका हालचाल पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो आप कला का सेंटर खोलना चाहते थे वो आप कब खोल रहे हैं। तो उदय शंकर जी उनको बताते हैं कि वह देहरादून में अपने सेंटर को खोलेंगे, क्योंकि देहरादून एक बहुत अच्छी जगह है। तब वैनपुरी जी बहुत खुश होते हैं और उनको ये बताते हैं कि जिस प्रकार से आप कला के द्वारा, अपने अभिनय के द्वारा जिस कला का मंचन आप करते हैं, उसी कला को मैं अपनी लेखनी के द्वारा कागजों पर उतारता हूँ। वो अपना परिचय इस प्रकार देते हैं और फिर उनको नमस्कार करके चले जाते हैं। तो इस यात्रा में लेखक को जो प्रमुख प्रमुख लोग मिलते हैं उनसे उनकी जो मुलाकात हुई उसके बारे में भी लेखक ने चर्चा की है। तो यात्रा वृतांत जो है आपका उड़ता चल कबूतर, इसका सारांश मैंने आपको बताया है। अब इसमें आपको प्रश्न कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। छात्रों आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपकी कक्षाओं में अभी यह पाठ नहीं हुआ हो, क्योंकि ये आखिरी का पाठ है तो शायद अभी आपकी कक्षा में नहीं हुआ होगा, इसीलिए मैंने आपको अभी इसका सारांश बताया है, और आप लोग घर जाके इसको स्वयं दो बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। और हमेशा जब भी आप कहीं अच्छी जगह जाएं, कहीं ना कहीं तो घूमने आप लोग जाते ही हैं छुट्टियों में, तो अपने साथ में अपनी डायरी और पेन लेकर जरूर जाएं, और जहां भी कोई अच्छे स्थान जाते हैं आप तो अपनी यादों को उसमें
संजो कर लेकर आए। और इसी तरह से जैसे कि अब लेखक का अपन ने यात्रा वृतांत पढ़ा, क्या हम नहीं लिख सकते? इसी प्रकार से धीरे धीरे अपने लेखन की क्षमता को बढ़ाएं। और खास तौर से मैंने एक बात ये देखी है कि जो छात्र हैं वो इंग्लिश में तो बहुत डरते हैं, लेकिन हिंदी में भी आप देखिए 9th से लेकर 12th तक आपको हर पार्ट के पीछे शब्दार्थ जो दिए रहते हैं, जिस प्रकार से इंग्लिश में मीनिंग बहुत जरूरी होती है, उसी प्रकार से हिंदी में भी आपको नए नए शब्दों को अपने शब्दकोश में संजोना है। तो सबसे पहले छात्रों, गद्य में, पद्य में जब भी आप कोई नया पाठ पढ़ते हैं, सबसे पहले पीछे जो आपको शब्दार्थ दिए रहते हैं, उसके अलावा भी कुछ पाठ में भी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनका अर्थ बच्चों को नहीं पता रहता। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे पूछते मैडम इसका अर्थ क्या होगा, जबकि आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से उस शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्यों पता नहीं रहता है? क्योंकि शुरू से बच्चे बस प्रश्नोत्तर रख लिए, हिंदी में निबंध लिख लिया, अपने पास तो हो ही जाएंगे हिंदी में, बस एक यही विचार बच्चों के मन में रहता है। पर इस विचार को छोड़कर अगर आप अपनी मातृभाषा को देखेंगे बच्चों, तो इसमें जो गुण आप सीखेंगे मातृभाषा से और इसमें जो पाठ है आपकी हर कक्षा में, नवी से लेकर बारहवीं में, अभी तो आप लोग नवी कक्षा में हैं, इसके बाद 10th में, 11th में, 12th में और आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे पाठों का समावेश आपकी पाठ्य पुस्तक में किया गया है, और इन्हीं से संबंधित आप और भी किताबें पढ़ने की कोशिश किया करें। तो अभी हमने आपको सारांश में उड़ता चल कबूतर, जो एक गद्य की विधा यात्रा वृतांत, ये भी गद्य की एक प्रमुख विधा है, तो इसमें भी हर कोई नहीं लिख सकता बच्चों, आपको एक पेज लिखना भी कितना कठिन होता है। तो इसके बाद में आप सारांश के बाद में मैं अब आती हूँ आपको इस पाठ से कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अब इस पाठ में लेखक ने आपको बिहार से संबंधित जो चर्चा की है, तो सोनभद्र नदी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, और जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं छात्रों, ये आपको पूरे मार्क्स बढ़ाने में मदद करते हैं। और जब आपने पूरा कोर्स पढ़ा होगा, जैसे गद्य का, पद्य का, सहायक वचन और ग्रामर, तभी आप इन 25 नंबर के जो आपके शुरू में ऑब्जेक्टिव आते हैं वो भी आप लोग आसानी से कर पाएंगे, अगर आप हर पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब। तो जैसे इसमें से एक प्रश्न आपका निकल के आ रहा है कि सोनभद्र नदी किस प्रदेश में बहती है, तो पाठ में अपने को मिल जाता है कि यह बिहार में बहती है। इसी प्रकार से यूरोप यात्रा पर जाने के लिए किसने पत्र लिखा लेखक को, तो 1947 में आचार्य नरेंद्र देव जी ने उनको पत्र लिखा था, लेकिन 47 से लेकर उनको फिर मौका नहीं मिल पाया बच्चों। लेखक ने अपना पासपोर्ट भी बड़ा जोर शोर से बनवाया, लेकिन फिर भी उनको मौका नहीं मिला। फिर उनको 51 में उनको एरोप्लेन से जाने का, विदेश यात्रा का मौका मिला, तो उसका उन्होंने आनंद उठाया। अब इसमें लेखक से मुलाकात जयप्रकाश जी से भी हुई थी, तो जयप्रकाश जी से जो उनकी चर्चा हुई उससे एक प्रश्न निकल कर आता है कि जयप्रकाश जी को किस बात की चिंता थी। तो जयप्रकाश जी को दैनिक पत्र जनता की चिंता थी, और जो आगामी आम चुनाव आने वाले थे उस समय की विटरा, उस समय की, अब देखिए आप ये 51 का यात्रा वृतांत है, तो आप लोगों को, आपको यह तो पता ही है, कई बार अपन कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो देखिए पुराने समय में भी जो लेखकों ने लिखा है, साहित्यकारों ने लिखा है, उससे हमें उस समय की परिस्थितियों का और उस समय की घटनाओं का भी पता चलता है बच्चों। तो इसीलिए साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये कहा गया है। पुरानी चीजों को भी पढ़ना, पुराने लोगों से मिलना, और बुजुर्ग लोगों से भी मिला करें आप लोग, अगर आपके मोहल्ले में आसपास कोई आपको बुजुर्ग रहते हैं तो आप जाकर मिले, उनके अनुभव शेयर करें बच्चों। अनुभव से ही जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं, और बड़े लोग जो उनके समय की जो बातें हैं, जिसको उन्होंने सीखा है, उनको अगर अपने जीवन में हम लाएंगे तो हमें भी बहुत फायदा होगा। तो ये 51 का है यात्रा वृतांत, तो उस समय जयप्रकाश जी जो थे उनसे भी उनकी लेखक की मुलाकात हुई। अब आप लोग बहुत छोटे हैं, पर फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ कि जयप्रकाश जी चूंकि राजनीति में, तो उनको चुनाव की चिंता थी और दैनिक पत्र जनता की चिंता थी। इसको आप लोग नोट करते जाने, ये एक एक नंबर के प्रश्न है, लेकिन हमेशा आ जाते हैं बच्चों, और कभी कभी आपका एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बिहार से चलने के बाद लेखक का प्लान किस शहर में उतरा, तो बिहार से चलने के बाद लेखक का प्लान बनारस शहर में उतरा। ठीक है छात्रों,
इसको आप चाहें तो नोट कर लें, और जब आप पढ़ेंगे पाठ को यात्रा वृतांत को घर पर जाके, तो आपको बहुत सी बातें, पर इसको कम से कम आपको 2 बार छात्र पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। बहुत ही सुंदर शब्दों का और बहुत ही सजीवता से लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। अब एक क्वेश्चन इसमें से निकल के आ रहा है छात्रों, कि शरीर की भंगिमा द्वारा भाव प्रकट करने वाली व्यक्ति का नाम क्या था। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि वेटिंग रूम में जब लेखक प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय उनके उदय शंकर जी जो कलाकार हैं, जो अपने भावों के द्वारा यानी नाटक वगैरह में जो काम करते हैं कलाकार, वह थे फेमस कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार उदय शंकर जी। तो वह अपने भावों के द्वारा अपनी बातों को प्रकट करते थे या किसी भी पात्र को जीवंत करते थे, वह थे उदय शंकर जी। ये मुझे लगता है आप लोगों को पता भी चल गया होगा, अभी मैंने बताया भी था। अब मैंने आपको अभी सारांश में बताया था कि ननिहाल जाते समय लेखक की हाथी के साथ क्या घटना घटी, बताया था आपको बच्चों। तो जब बचपन में लेखक को ननिहाल जाते समय हाथी पर बैठने का मौका आया, तो वह बैठे तो, लेकिन हाथी हिचकोले खाकर चल रहा था और आसन बहुत ऊंचा था उसका, तो उन्होंने आनंद तो लिया, हाथी पर बैठ गए, लेकिन उनके अंतर मन में एक डर जो था, वह उसको, वह हाथी पर बैठने का उतना आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि उनके अंदर एक भय था। क्योंकि बचपन में क्या बड़ों को भी डर लगता है कई बार हाथी पर एकदम से बैठने के लिए कह दिया जाए, तो लेखक के मन में भी अंतर मन में जो भय था लगातार बना हुआ, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो उससे वो अपने बाहरी मन को उतना आनंद नहीं दे पाए। इस प्रश्न का उत्तर वैसे तो मैंने आपको बताया है, फिर भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि उनके अंतर मन में एक डर था कहीं गिर ना जाए, इसलिए वह अपने बाहर मन को, अंतर मन और बाहर मन, कि बाहर से तो वह बैठे हुए थे कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा, लेकिन अंदर से उनको डर लग रहा था। तो जो उन्होंने अपने अंतर मन के डर की बात है वह कबूल भी की है, और उन्होंने इस पाठ में फिर बाद में बताया कि सपने में भी जब वो ननिहाल तो पहुंच गए, ननिहाल से अपने घर भी आ गए, लेकिन सपने में भी उनको वह हाथी आके डराता था कि, तो जो छोटे में कई बच्चे डर के उठ के बैठ जाते, उसी प्रकार से लेखक भी बचपन में जैसे उनके सपने में वो हाथी आता था वो डर के उठ के बैठ जाते थे। तो लेखक ने इस घटना का भी अपने यात्रा वृतांत में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अच्छा, बर्नार्ड शॉ ने अंग्रेजों के बारे में क्या लिखा है, इसमें लेखक ने पूछा है, तो इसमें उन्होंने बताया था कि वह इरादों के पक्के थे, अंग्रेज जो थे इरादों के पक्के थे, यह उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। इसके बाद में ब्रजनंदन आजाद ने तार के द्वारा क्या सूचना दी लेखक को, तो ब्रजनंदन आजाद ने तार के द्वारा लेखक को विलायत जाने की सूचना दी, जो उन्होंने बहुत समय से अपने मन में संजो कर रखी हुई थी, वह सूचना उन्होंने उनको तार के माध्यम से दी। ये बच्चों जो पाठ के बीच बीच में से जो क्वेश्चन आते हैं, आप लोग भी जब भी आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं तो आप पेंसिल जरूर रखें, और हर पाठ में जो भी आपको इम्पोर्टेंट लाइन आती है उसको आप अंडरलाइन करें, और आप देखेंगे कि आपके आधे से अधिक प्रश्न आपको वहीं मिल जाते हैं जो बच्चे ध्यान देते हैं। और कई बच्चे फिर सोचते रह जाते हैं कि अरे अभी तो मैडम को पढ़ाने, तो पीछे बैठ के बातों में लगे रहते हैं, फिर देखेंगे, और इस तरह से वह पूरी तरह से पिछड़ते चले जाते हैं। तो आप लोग भी इस बात को छोड़कर बच्चों, और जैसे अभी भी आपको ये पाठ पढ़ाया जा रहा है, इससे आपको फायदा अवश्य होगा, जो बच्चे ध्यान देंगे उनका आज ये पूरा पाठ तैयार यहीं कहीं हो जाएगा, आपको दोबारा शायद एक बार बस पढ़ेंगे घर पे जाके, और आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी आंखों के सामने आने लगेंगे, क्योंकि आपको मैंने पूरी बातें बारीकी से बताई है, और इस पाठ से जितने भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो भी मैंने सारे आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद में गोरे अंग्रेज ने हिंदी के बारे में क्या कहा, एक लेखक को गोरा अंग्रेज मिलता है तो वह हिंदी के बारे में क्या कहता है, तो उसका कहना ये था कि आजकल लोगों ने हिंदी को भी संस्कृत बना दिया है, और पटना के जो अखबार है उस समय है ना, बिहार के लेखक, बिहार और पटना की ज्यादा चर्चा है लेखक की यात्रा वृतांत में, क्योंकि वहीं के थे वो, तो वहां के हिंदी अखबारों के बारे में कहा है कि हिंदी को संस्कृत के शब्द और ज्यादा कठिन होते हैं, तो हिंदी को संस्कृत का रूप दे दिया गया है, और कई शब्द तो डिक्शनरी में से देखकर ही उनका अर्थ मिलता है। प्रेमचंद कितना अच्छा साहित्य लिखते थे छात्रों, यहाँ पर ये गोरे अंग्रेज ने जो लिखा है
यह इससे आपको ये पता चल रहा कि प्रेमचंद जी जी को हिंदी साहित्य का सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, क्योंकि प्रेमचंद जी की एक हाथ कहानी तो आप लोगों ने अभी तक की जो आपकी कक्षाएं निकली हैं उनमें से पढ़ी ही होंगी। तो उनकी जो भाषा है, बुरी अंग्रेज ने प्रेमचंद का उदाहरण क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि वह इतनी सरल भाषा में और सहज भाषा में लिखते थे कि कम पढ़े लिखे लोग भी उसको पढ़कर और समझ लेते थे। आम जनता के बहुत ही गरीब और आम घटनाओं के ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि अभी तो खैर फिर भी हमारे यहाँ बहुत सारी आबादी शहरों में निवास करने लगी है, लेकिन उस समय तो 80% गांव में ग्रामीण रहते थे। तो जो बच्चे अपनी सीट पर इधर उधर मस्ती कर रहे हैं वो जरा सीधे बैठे, सीधे बैठ जाए सारे बच्चे। अभी आपके टीचर्स जो है वो भी पूछेंगे आपसे इसी के बारे में संबंध, जो बातों में लगे हुए हैं, इशारे कर रहे हैं, ठीक से बैठे जरा। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी का उदाहरण उन्होंने इसलिए दिया कि बड़े ही सरल और सहज लेखक थे और उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग किया कि ऐसा लगता था कि जो भी कहानी उनकी पढ़ते हैं तो कई कहानियां भी और उपन्यास भी उनके ऐसे रहते कि आप पढ़ते पढ़ते ही व्यक्ति की आंखों से आंसू कब निकल के बाहर आ गए यह व्यक्ति को स्वयं पता नहीं चलता था। आगे चलकर आप लोगों को भी मैं सलाह दूंगी कि जैसे जैसे आप लोग बड़े हो रहे हैं आपकी लाइब्रेरी में और या कहीं भी आप पत्रिका मेले में जाते हैं तो जरूर ही प्रेमचंद जी से संबंधित किताबें का संग्रह करें और उनकी रचनाओं को पढ़ें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही आपका ज्ञानवर्धन होगा। अब इसमें लेखक ने जो पूछा है इसमें पाठ में से एक प्रश्न निकल के और आ रहा है कि दिल्ली के राजभवन में कौन कौन से चित्र लगे थे उस समय। तो दिल्ली के राजभवन में वायसराय का चित्र लगे थे, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भवनों और उन युद्धों के चित्र लगाए हुए थे उस समय जिनमें विजय बनकर और अंग्रेजों ने भारत पर हमारे कब्जा कर लिया था। ठीक है छात्रों, तो यह जो है उस समय की उन्होंने जो घटनाएं और जहां जहां लेखक गए उन सबका उन्होंने बड़ी बारीकी से वर्णन किया है। अब इसके बाद में एक प्रश्न आपका विशेष रूप से निकल के आ रहा है बच्चों कि हवाई जहाज यात्रा के समय नीचे के दृश्यों का वर्णन लेखक ने किस प्रकार किया। तो ये मैंने आपको बताया था कि लेखक ने जब जैसे हवाई जहाज में अपन बैठते हैं कहीं भी ऊंचाई के ऊपर से नीचे की चीजों को हम देखेंगे तो बहुत छोटे सूक्ष्म आकार की दिखाई देते हैं, यही लेखक ने लिखा है। और लेखक ने बताया है कि सारे वृक्ष जो है ऊंचे ऊंचे वृक्ष वह सब छोटे छोटे बड़े सूक्ष्म दिखाई दे रहे थे, ताड़ का वृक्ष कितना लंबा होता लेकिन ऊपर से बहुत ही छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे और खेत जो है वह धारीदार दिखाई दे रहे थे जैसे कि शतरंज के ऊंचे नीचे खाने, छोटे बड़े खाने के बीच में धारियां ऐसी दिखाई दे रही थी ऊपर से जो खेत है नीचे, और शतरंज की गोटियों और खाने मोहरों से उन्होंने उन चीजों की तुलना की है कि उस प्रकार से वह ऊपर से दिखाई दे रहे थे। तो हवाई जहाज यात्रा के समय जो मैंने आपको बताया था लेखक ने जिस प्रकार से वर्णन किया है कि सभी चीजें बहुत सूक्ष्म दिखाई दे रही थी और सभी जैसे बड़े बड़े वृक्ष हैं वह सब बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, खेत जो है शतरंज की गोटियों से उन्होंने उसकी छोटे बड़े खानों से उनकी तुलना की है। तो यह मैंने आपको पहले ही बताया था, आज आप लोग पढ़ के और पाठ में से इसका आंसर जरूर निकाल लेंगे। अब देखिए बच्चों, खास तौर से यह जो पाठ है यात्रा वृतांत, इसमें जो लेखक ने अंतर्मन और बहिर्मन का परस्पर क्या संबंध बताया है तो इसके बारे में जो इसका आधा आंसर है, जैसे अगर आपको 4 या 5 नंबर का आंसर आता है तो फिर आप थोड़ा बड़ा लिखें, पर बहुत बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं रहती है। आप अपनी बातों को इस तरह से लिखें कि आप जो बताना चाहते हैं वो आपके कम से कम शब्दों में और सही जानकारी आप दे दें। जैसे इन्होंने अंतर्मन और बहिर्मन के बारे में जो पूछा है वह कि अगर मान लीजिए जैसे कि हवाई जहाज का उदाहरण है कि अगर मान लीजिए हमारी जो भावनाएं अगर हम ऊंची कर लेंगे बच्चों तो हमें हमारी नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। ठीक है छात्रों, मेरी बात समझ में आ रही है। जिस प्रकार से लेखक ने बताया कि हवाई जहाज के ऊपर जाने से हर वस्तु बहुत छोटी दिखाई देती है, परंतु इसका एक दूसरा अर्थ ये कि अपने अंतर्मन में अगर मनुष्य अपनी भावनाओं में उदार रहेगा
और विस्तृत भाव से वह सारे देश सारे जग को देखेगा तो उसके समक्ष कहीं कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो विचारों में उदारता और संवेदनशीलता का होना बहुत जरूरी है। ऊंचे विचारों वाला व्यक्ति जो होता है वह गरीब अमीर सभी को एक ही नजर से देखता है। तो छात्रों, इसका मतलब यह है कि हमारे अंतर मन में हमें उदार होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और बच्चों हमें हर व्यक्ति को एक समान नजर से देखना चाहिए। समाज में कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, गुणों से छोटा या बड़ा व्यक्ति होता है। अब देखिए छात्रों, आप लोगों को भाव पल्लवन एक प्रश्न आपको गद्य से और पद्य से इसी प्रकार से सहायक वाचन से भी आपको पूछा जा सकता है कि भावार्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे कि इस यात्रा वृतांत में जो प्रमुख बात खुलकर आई है, जो जो ऊंचे जाएंगे हम भेदभाव मिटते चले जाएंगे, सीमाएं नष्ट हो जाती हैं और एक रूपता बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे जैसे देखिए ये हवाई जहाज का तो एक उदाहरण है छात्रों, इसको आप बारीकी से समझने की कोशिश करें। छात्र जो शांत नहीं बैठे जरा शांत बैठ जाएं, सारे शांत जो इधर छात्र जो इधर उधर घूम रहे हैं जरा ठीक से बैठ जाएं और टीचर्स भी जरा देखें। तो छात्रों यहाँ पर इस भावार्थ को ये आपको जैसे तीन नंबर का अगर आ गया तो पहले तो आप ये समझिए बच्चों कि इसमें केवल हवाई जहाज से नहीं देखना है आपको कि हवाई जहाज जब ऊपर जाता है तो ऊपर से सारी चीजें छोटी दिखाई देती हैं। ये तो संकेत मात्र है, लेखक का बड़ा दार्शनिक यात्रा वृतांत है ये और आपके 9th क्लास में मुझे लगता है कि ये बड़ा ही समझने वाला यात्रा वृतांत है। तो 9th क्लास के बच्चे जरा ध्यान से इसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में भी इन चीजों को अगर एक दो चीजों को भी अगर आप ले आए तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ज्यो ज्यो ऊंचे जाइए मतलब क्या है कि जैसे जैसे विचारों में हमारे विचार हमारे ऊंचे होते जाएंगे, हम संवेदनशीलता हमारे अंदर आएगी, उदारता की भावना हमारे अंदर आएगी तो हमें सारे लोग एक जैसे दिखेंगे। फिर हम अपने देश के लिए समाज के लिए भी अच्छे कार्य करेंगे और अगर किसी व्यक्ति को कहीं कोई जरूरत है तो उसकी हम मदद भी कर सकते हैं। तो छात्रों अपने विचारों में उदारता और ऊंचे विचार लाने का लेखक कहना, ऊंचाई पर जाना मतलब विचारों से भी ऊंचे होना। यहाँ पर इस भावार्थ का बड़ा गहरा अर्थ है बच्चों कि ऊंचाई पर जाने का मतलब केवल ये नहीं है कि इतने फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए, समझ रहे हैं बात आप लोग हमारी, ऊंचाई यानी अपने विचारों को भी ऊंचाई पर ले जाना है। जब आप अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाएंगे तब आपको बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव होगा और सारी जाति पात ये सब सारे भेदभाव मिट जाते हैं और सारे इंसान हमें एक नजर दिखाई देते हैं, कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता है। उदारता हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है और संवेदनशील होना, किसी के दुख में दुखी होना और किसी के सुख में सुखी होना, क्योंकि ईर्ष्या सबसे बड़ा दुश्मन है बच्चों हमारी उन्नति का। ईर्ष्या सबसे बड़ा, ईर्ष्या में इंसान जलता रहता है, उड़ता रहता है पूरे समय और कुछ भी नहीं कर पाता। तो हमेशा ईर्ष्या अच्छे कामों की करें। जब हमें क्लास में फर्स्ट आना है, स्कूल में फर्स्ट आना है, जिले में फर्स्ट आना है, इसमें आप जरूर कॉम्पिटिशन करें पढ़ाई में, लेकिन और ऊट पटांग चीजों में ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है और आलस्य को भी छोड़ दें। तो ईर्ष्या और आलस्य दो आपके और छात्र जीवन के तो यह सबसे बड़े दुश्मन है। तो बच्चों भावार्थ में आपको यही लिखना है कि विचार ऊंचाई पर ले जाना है हमें, है ना, केवल ये नहीं कि एरोप्लेन में बैठ के 400 फीट की ऊंचाई 500 फीट की ऊंचाई से हमें सारी चीजें नीचे की छोटी दिखाई देती है, यह तो एक संकेत मात्र है। तो दार्शनिक रूप में इस यात्रा वृतांत को लेखक ने बताया है तो आपको ये समझ में अब आ गया होगा भावार्थ मुझे लग रहा है। इसके बाद में छात्रों आज आपको लोकोक्ति जो आपको मुहावरे और लोकोक्तियां आपको प्रश्न पत्र में अवश्य आते हैं दो उनमें लोकोक्ति जो होती है वो क्या होती है लोकोक्ति। लोकोक्ति बेटा जीवन में जो बुजुर्ग लोग हैं आपने देखा होगा कई लोग बड़े लोग कोई ना कोई कहावत कह देते हैं, है ना, तो पूरा अर्थ लिए होती है लोकोक्ति का अर्थ है कि अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है और स्वतंत्र रूप से इसका अर्थ हमें प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो लोकोक्ति आप लोगों ने वैसे तो सुनी होंगी लेकिन कुछ लोकोक्ति मैं आपको बता रही हूँ, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है,
ठीक है बच्चों, ये आपने सुनी होगी मुझे लग रहा है। इसी प्रकार से अध जल गगरी छल कर जाए, जो ऊंचा व्यक्ति होता है ना, अध जल गगरी, देखा होगा आपने, जो आधा भरा हुआ अगर गगरा होता है तो वह ज्यादा छलकता है। मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते नहीं है, है ना, लेकिन जो अल्प ज्ञानी होते हैं वह अभिमान दिखाते हैं, है ना, जैसे कि तोता चना बाजे घना। समझ गए बच्चों, जो चना घुन जाता है वो ज्यादा बचता है। इसी प्रकार से जो ओछा व्यक्ति होता है वह ज्यादा अभिमान दिखाता है, अगर जरा सा ज्ञान ग्रहण कर लिया तो बस उसी का बखान शुरू हो गए, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने लगे। तो लोकोक्ति का भी जो वाक्यों में प्रयोग आपको आता ही है बच्चों, हर साल प्रश्न पत्र का यह हिस्सा है और इस साल भी आएगा, आगे भी आपको ये जो ग्रामर है ये तो आपको 9th, 10th, 11th, 12th सभी में आपको कॉमन रहती है। बस इसमें क्या है, आप अपने संख्या को बढ़ाते जाएं, ज्ञान के भंडार को और बढ़ाते जाएं, क्योंकि पुनरावृत्ति भी हो जाती है, ये तो कॉमन चीजें हैं, लोकोक्ति मुहावरे, है ना। तो आप इन ग्रामर की चीजों को हमेशा याद रखें और इनकी पुनरावृत्ति करते चले। अंधों में काने राजा, मूर्ख, अगर बहुत सारे मूर्ख हैं और उनमें कोई एक अल्पज्ञ है तो कहते हैं कि अंधों में काने राजा, मूर्ख अगर है अधिकतर, उनमें अगर थोड़ा से ज्ञान वाला व्यक्ति तो वही राजा बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इनके जो मैं लोकोक्ति आपको बता रही हूँ इनका आप लोग अच्छे अच्छे वाक्यों में प्रयोग करके लाएं और अपने आप टीचर्स को दिखाएं, जो मैं आज आपको लिखवा रही हूँ इनको अच्छे सुंदर सुंदर वाक्यों में। मैंने देखा है बच्चे एक ही तरह के रटे पिटे वाक्य बनाते हैं, लेकिन अलग अलग वाक्य, नए नए वाक्य बनाने की कोशिश आप लोग करें। अब एक आपको दिया है, बता रही हूँ मैं, कि आम के आम उठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ कमाना। ठीक है छात्रों, तो किसी भी तरह से अगर मान लीजिए कभी हमें कोई काम करना है तो उसमें एक काम अगर हम करने जा रहे हैं और वहीं पर हम कोई अगर दूसरा भी काम हमें है, जैसा लिस्ट बनाकर चलें आप लोग कि एक साथ सारे काम में पड़ जाएं, ऐसा थोड़ी कि एक जगह आप गए हैं वहां का काम निपटाए फिर घर लौट के आए, तो ऐसे दिमाग में हमेशा, जैसे आप बड़े होते जाएंगे बच्चों, आगे चल के आप सर्विस में जाएंगे या बिजनेस में जाएंगे तो भी आपको अपने ये इस चीज को आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम और कितने काम कर सकते हैं आसपास के, तो उससे दोहरा लाभ हमें हो जाता है कि वहां तक तो आए हैं दूसरा काम भी निपट गया। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वह एक काम के लिए एक बार जाते हैं, पर वहीं का उससे अगर 10 फरलांग की दूरी का कोई काम है उसके लिए फिर दोबारा जाएंगे। तो हमेशा अपनी लिस्ट बनाकर चलें कार्यक्रम की, तो उससे क्या होता है कि अपने काम भी ज्यादा हो जाते हैं और आपको फायदा भी ज्यादा होता है। इसी प्रकार से एक बड़ा ही सुंदर ये लोकोक्ति है, ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात गुण कम है और दिखावा ज्यादा है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी मिठाई की दुकान की बड़ी तारीफ होती है और अपन उस जगह से लेकर आते हैं लेकिन उसमें वह स्वाद नहीं मिलता जो लोग कहते हैं, तो बाद में मन से ये निकलता है कि यार बड़ी तारीफ की थी लोगों ने परंतु इतनी बड़ी दुकान, इतनी महंगी दुकान, लेकिन उसमें स्वाद नहीं है। तो ये आपका मुहावरा हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में ऊंट किस करवट बैठेगा, अर्थात परिणाम की जानकारी ना होना, क्योंकि परीक्षा में अपन तैयारी तो सारी करते हैं बच्चों, लेकिन अगर आप लोगों को ये नहीं पता होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि 2-3 प्रश्न इस तरह के आ जाते हैं जो आप लोगों ने छोड़े हों, तो अक्सर ऐसा होता है परीक्षा परिणाम में, तो जैसे कि चुनाव परिणाम में भी कई बार उल्टे विपरीत परिणाम आ जाते हैं, किसी कैंडिडेट की बिल्कुल उम्मीद रहती कि वह जीत जाएगा लेकिन परिणाम ऐसा निकलता है कि वो हार गया और दूसरा कैंडिडेट जीत गया, तो इसी को हम कहेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अच्छा, इसी प्रकार से एक और है, कहां राजा भोज कहां गंगू तेरी, अर्थात दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना। ठीक है, अगर हम जो व्यक्ति बिल्कुल ही कि राजा और भिखारी की तुलना कर दें तो दो असमान व्यक्तियों की तुलना इस तरह की है लोकोक्ति। तो ये जो लोकोक्तियां मैंने आपको बताई बच्चों, इसी तरह से 10 लोकोक्ति आप और ढूंढ कर इन सबके भी वाक्य बनाए और हमेशा अंडरलाइन जरूर करें मुहावरों में और वाक्यों में, जब आप वाक्य बनाते हैं तो उनमें जहां पर अर्थ आ रहा है आपकी लोकोक्ति का मुहावरे का तो उनको आप अंडरलाइन जरूर करें। ओके, ठीक है छात्रों, मुझे लग रहा है कि आज आपको यह यात्रा वृतांत अच्छे से समझ में आया होगा और जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं वो आप अवश्य हल कर लें और यात्रा वृतांत को 2 बार पढ़ें और आज की जो भी चीजें मैंने बताई हैं उनको भी ध्यान दें, अवश्य आपको परीक्षा में फायदा देंगी। धन्यवाद।